नाइस 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 बैडएस टेरिटो का आदर सत्कार कर, आदर सत्कार कर। ये मेरा नहीं पूछ, मेरी असिस्टेंट, मेरी असिस्टेंट। किस एंगल से? किस एंगल से? हर एक एंगल से। ओके, सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज कोई गेस कर सकता है इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें? इसमें बॉम्ब हो सकता है। बेचारे गरीब लोगों को तो कुछ मिला नहीं है, बट हमने अपने लिए जरूर ऑर्डर किया है। सो जस्ट गेस। सीरियसली बहुत हेल्प करेगा बिकॉज वो चेक करके पता चलेगा, वो चेक करके पता चलेगा, गालियां खाने से भी बचाएगा लोगों को, चेक करने के बाद पता चलेगा। सो जस्ट लेट्स ओपन। दोपहर को ये मेरे को डिलीवर हुआ था और मैं अपने आप को इतना पेशेंट ला के बैठी हुई हूँ कि कब मैं घर पहुंचूंगी और कब मैं इस पैकेजिंग को ओपन करूंगी। मुझे तो इसका नाम पता है, बाकी तुझे पता है तो तू बता। नहीं, मुझे अभी पता नहीं है। नहीं पता। सो नाउ लेट्स ओपन दिस। बेसिकली मेरा प्लान था कि इस गरीब को भी थोड़ा सा दिला देती हूँ मैं, बट पहले मैं इसको यूज करके देखना चाहूंगी। इट्स WeNet फोन वर्जन 6। इसके स्पेसिफिकेशन है 6 से 8 घंटे का टॉक टाइम, 300 घंटे का स्टैंड बाय टाइम, 530 mAh की बैटरी, 2 से 2.5 घंटे का चार्जिंग टाइम, ब्लूटूथ वर्जन 3.0, 1200 मीटर की रेंज, 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे भी ये काम करता है। 6 राइडर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 राइडर ही इंटरकॉम कर पाएंगे एक टाइम पे। इसके साथ आपको मिलती है 1 साल की वारंटी और इसका प्राइस जो है 4000 रुपए है अमेजोन पे। और बॉक्स में आपको मिलता है ये सब कुछ। और इसके अंदर क्या-क्या सामान आते हैं? स्पीकर्स, विद माइक, एक डिवाइस आपका इसके अंदर। बेसिकली ये आपको 6 राइडर्स के साथ कनेक्ट करेगा। एक माउंट है इसमें जो कि हेलमेट पे कनेक्ट होगा। एक्स्ट्रा स्पीकर फोन, जस्ट कवरिंग्स है ये। और ये हेलमेट के अंदर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। And this is charging cable. That's it. So you got 1, 2, 3, 4, 5 items. This is Allen key. Nuts and. इसको आप open कर सकते हो यहाँ से. इसके लिए key है. When you use it, तभी ज़्यादा पता चलेगा. Like तू मुझे call करना and मैं intercom से call receive करती हूँ, then देखते हैं helmet का visor off होने के बाद भी कितनी clear voice आती है. बैटरी बैकअप इसमें वैसे बताया हुआ है 12 आवर समथिंग का, बट देखते हैं। कुछ चीजें वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर यूजिंग ही पता चलेगी। एंड चार्जिंग टाइम इसका 2 आवर्स का है वैसे। नाउ लेट्स सी इसको हम इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो AKG प्लीज कैरी ऑन, हमारा क्राउन आप सजाने की तैयारी कीजिए। इस बेचारे को एक शॉक लगा है ये कि मैंने ऐसे एकदम से कैसे मंगा लिया है। तो बेचारा अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे। पहले इसको अनस्क्रू करना है लाइक दिस। हेलमेट की हमें पैडिंग निकालनी पड़ेगी, इसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे। वैसे मैनुअल तो होती है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, सब यूट्यूब का सहारा लेते हैं। हमारा MT का हेलमेट है सो पैडिंग इजीली रिमूवेबल है आराम से। बिल्कुल नहीं तो किसी की खाल भी खींच सकती है। ये महाराज जी तो भूल गए हैं हेलमेट की पैडिंग हटाना। इसे 6 मंथ में एक बार निकाल देना चाहिए, बेचारे जाम हो जाते हैं। पानी पैडिंग निकाल दिए। बट अगर इस माउंट को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो इसका सनग्लास जो इसमें लगा हुआ है वो स्टक करेगा। सो पैडिंग हमने निकाल दिए एंड ये पहले से इसकी जगह रखी हुई है कि हम यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। और हम इसको लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड जो होता है वो थ्रॉटल पे नहीं होता है, तो इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेलक्रो लगाएंगे, अटैच द वेलक्रो। ये चिपकाने के लिए एक्चुअली। सो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। वैसे बिल्कुल परफेक्ट साइज का बना हुआ है। इसी तरह हम दूसरा चिपकाएंगे। आपकी पैडिंग जो है ना सही तरह से लग जाए,
फायर को हम पैडिंग के अंदर से ले जाएंगे। वेलक्रो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जो वायर है उसको ताकि हम इसके पैडिंग के अंदर डाल सके, तो हमें बैक साइड की पैडिंग भी निकालनी पड़ेगी ताकि वायर आराम से हम इसके अंदर डाल सके, बाहर ना लटके। अब मुझे एक और डायलॉग मारने को मन कर रहा है, उलझे हुए इंसान के सारे काम भी उलझे हुए होते हैं। ओके, तो हमारे माइक और ये पैडिंग सेट हो गई है, इसको हम बाद में करेंगे, एक बार पहले हम इसको लगा लेते हैं जिसके ऊपर इंटरकॉम कनेक्ट होगा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि किस तरफ लगाना है कि ये भी ओपन हो जाए और यहाँ पे भी दिक्कत ना आए। इससे तो हम अटैच नहीं कर पाए, तो हमने एक जुगाड़, इसका जो एक्चुअली माउंट दिया हुआ है वो मेरे हेलमेट में सेट नहीं बैठ पा रहा है ड्यू टू दिस रो। ये रबर साथ में ये लगा हुआ है, अच्छा है। तो हम ये करेंगे कि अब तो हम इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं, राइट? यहाँ करें जहाँ बताओ, राइट? इसको बंद करके अब बताओ, ये ठीक है? आई थिंक फिर तो यही ठीक है। मतलब जहाँ इसकी पोजीशन ठीक, इसकी पोजीशन ठीक बैठ रही है, खोल के देखना पड़ेगा। लेकिन फिर वो वायर भी तो देखते हैं ना, कौन सा? ये हो गया, आई थिंक यहाँ पर ये ठीक बैठ रहा है। एक मिनट मैं पहनूं और फिर तू लगा के देख। सबसे इजी वे, नट बोल्ट्स कसने की जरूरत नहीं है, ये वैसे काफी स्ट्रॉन्ग टेप है। 3mm टेप फाइनली केम टू रेस्क्यू। बस अब निकालते हैं इसको, बिकॉज ये मैंने हेलमेट के ऊपर एक माउंट लगाया हुआ है एंड लास्ट 7-8 months हो गए हैं इसको लगे हुए, और मैं इसको ना भी टाइटली रिमूव करने की कोशिश करूँ बट ये रिमूव हो नहीं रहा है, तो होपफुली ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको मेंटेन करके रखेगी, स्टिक करके रखेगी। अब हम इसको अटैच कर देते हैं, और टेप लगाने के बाद आपको कुछ देर तक रखना पड़ता है। अभी चार्जिंग भी हमने चेक नहीं किया, चार्ज होगा कुछ ना कुछ। तो अब हमने इसकी वायर जो है पैडिंग के नीचे लानी है। ब्लू लाइट आ गई है इसमें। अब ये पेयरिंग होगा ब्लूटूथ के साथ, अपने फोन के साथ। या इसको तो लगाया ही नहीं है। हाँ लगा ले। हाँ तो लगा ना, तभी तो मैं म्यूजिक सुन पाऊंगी इसमें। ओके, सो हम पेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस नाम से आता है, लेट्स सी। न्यू डिवाइस। तो अगर आपको पेयर करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट प्रेस इट एंड होल्ड इट। अभी ब्लिंक करने लगा रेड एंड ब्लू लाइट। अब आप स्विच ऑन कीजिए अपना ब्लूटूथ। एंड V6, जस्ट प्रेस इट। ये कुछ पूछेगा, अलाउ, जस्ट चेक दैट बॉक्स, और फिर ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। सी, इट्स कनेक्टेड। सो लेट्स ट्राई कैसा म्यूजिक लगता है। माइक बिल्कुल मेरी आंख के अंदर घुसा दिया। हाँ, उसको हम कर सकते हैं। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। राइट। या म्यूजिक चल रहा है। और वॉल्यूम अप डाउन करने का भी ये बटन वहाँ पे। वो तेरे को आदत हो जाएगी यूज़ करते करते। कंफर्टेबल। तो अब स्पीकर क्या करेगी, स्पीकर मैं यूज़ करूँगा आई गेस। नाइस। लेट्स सी चार्जिंग कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं। यहाँ से हम माइक कनेक्ट करते हैं वहीं पे। इसको रिमूव करके इसको लगा दो, और आप लैपटॉप से या अपने चार्जर के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। और 2 घंटे लगते हैं चार्ज होने में इसको, एग्जैक्टली 2 आवर्स। बाकी रिव्यू हम बाइक के मतलब कल राइड के बाद देंगे कि कैसा था इसके साथ एक्सपीरियंस। और इसका प्राइस कितना है? 2800। ओके, जो मुझे डिस्काउंट के तौर पे मिला है। कितना? बैड एस टेरिटो को अमेज़न पर इसका प्राइस 4500 समथिंग दिखा रहा है। हाँ। बट मैंने ये अपने नॉन गुप्ता बाइकर ट्रेडर्स हैं उनसे लिया है, सो उन्होंने 2800 में मुझे प्रोवाइड किया है। सो और किसने हमें रेकमेंड किया था कि जो चोपड़ा है कोरबाग वैसी, मतलब अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए, के पास तो टाइम ही नहीं होता है, उनकी शॉप काफी छोटी है और काफी भीड़ होती है। तो मैंने भी काफ़ी ये, हम दोनों गए थे पिछली बार तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी वेयर हाउस में। सो लेट्स होप इस बार जाएंगे तो डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे। सो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग V6 की।
ये हमारा फर्स्ट इंटरकॉम और बैडएस टेनेटो के लिए, हाँ तो आप लोगों की प्यारी प्यारी और बहुत बुरी बुरी बैडएस टेनेटो। सो कल हम एक और रिव्यू इसका डालेंगे आफ्टर यूजिंग माय। सो प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे फनी फनी और बहुत ही चटपटी बातों के साथ आपको अगर वीडियोस आते रहेंगे। हाँ इन्फॉर्मेटिव भी आएंगे धीरे धीरे, और अगर कुछ बुरा भी लगा इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो डू शेयर योर फीडबैक, राइट, क्योंकि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाना चाहते हैं। और कैसा था ये ट्राई किया? ब्लूटूथ अच्छा है। कॉल पे भी मैंने सनी को कॉल किया था, वॉइस क्लियर आ रही थी। क्लियर कितनी स्पीड पे? 50 की स्पीड पे चला रही थी। 50 की स्पीड पे, ओके।